action. अब आप इतना प्रेशरवा डाल रही है तो किशन कुमार थोड़े ना भैंस की पूछ है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, जब तक हम एक्शन, जब हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी तब आप हमसे पैसा लेंगी और तब तक हम आपके सारे घर का कामकाज में हेल्पिंग हैंड करेंगे। अरे बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको। चलो इसी बात पे आप हमारा हाथ मिलाइए और कहिए शरत मंजूर। अच्छा ठीक है मंजूर। हाँ अभी ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो अभी बचाऊंगी ना, ऐसे थोड़ी उसको जान लेने दूंगी किसी को भी। मतलब मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर मी, बट अब उधर कूदने वाला होता है तो मैं उसे खींच लेती हूँ। हाँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ आइडेंटिटी है बेसिकली। तो जब चेंज ऑफ आइडेंटिटी होती है तो काफ़ी कुछ आप चेंज कर लेते हैं, तो विग से लेकर कपड़ों से लेकर जूते सब कुछ ही नया दिया गया है, पूरा टर्न अराउंड किया गया है लुक में, सो ताकि कोई पहचान ना सके, बेसिकली स्वरा ना पहचान सके। हाँ मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे ये कि रॉकस्टार का ये दिया गया है, मैं आप लोगों से ही सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मुझे ब्रीफ नहीं पता था कि ये रॉकस्टार होगा, लेकिन एक बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा ओवर द टॉप लड़का है ये, तो इतना मुझे पता है, तो रॉकस्टार लग रहा हूँ, तो लग रहा हूँ अच्छा है। नहीं सुसाइड कर नहीं रहा था, करने की एक्टिंग कर रहा था, मेरे सामने अपने आप को की प्रेजेंट कर रहा था एज इफ, ताकि आके एक ताकि जब स्वरा देखेगी तो ऑब्वियसली आके रोकेगी, तो वहाँ से आगे की बात बन सकती है, एटलीस्ट बात करना शुरू हो सकता है, आगे एक टॉपिक निकलेगा, वो टॉपिक निकलते निकलते और एक टॉपिक निकलेगा और विल लीड टू समवेयर एल्स, स्वरा के घर पे। सो ये इंटेंशन था। नहीं नहीं गाना तो मैंने ऑडियंस नहीं, मैंने रॉकस्टार में बिल्कुल भी नहीं हुआ, गाना हम आप देखिएगा, मैंने गाया है गाना और डांस भी किया है गाने पे, तो आप वो देखिएगा ऑन स्क्रीन। नहीं मैं गाना तो बिल्कुल गाता नहीं हूँ, मैं ऑडियंस के लिए ही तो मैंने गाया है गाना, आप देखिए ना टेलीकास्ट में, तो आप वो देखिए तो आपका सरप्राइज चला जाएगा अगर मैं गाऊंगा तो। अभी थैंक यू। फैंस के लिए तो आई थिंक संस्कार है, किशन जो भी है वो फैंस की वजह से हैं, सो जितना भी बोले उनके लिए कम है। और ये एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, एक नई लाइफ है एक एक्टर के लिए, सो आई थिंक उसमें फैंस का बहुत ही बड़ा हाथ है, सो जितना भी कहूँगा कम होगा सबके लिए। फैंस को एक्चुअली हर टाइम हम दोनों कहते ही है कि आई थिंक इट्स देयर लव, देयर सपोर्ट, जिसने जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और आपका प्यार हमेशा इंकरेज करता है, हमेशा मोटिवेट करता है टू डू समथिंग बेटर ईच एंड एवरी टाइम, सो थैंक यू सो मच।